Hello everyone, I am Umair Afzal and you are watching Student Hub HD. Welcome to C++ Beginner Course. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इस कोर्स में क्या कुछ सीखेंगे. सबसे पहले मैं आपको C++ से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा. उसके बाद हम लोग C++ की ब्रीफ हिस्ट्री को देखेंगे. उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक IDE क्या होता है और हम कौन सा IDE यूज़ करेंगे. फिर मैं आपको उसकी इंस्टॉलेशन का मेथड बताऊंगा. उसके बाद उस IDE को कैसे यूज़ करना है मैं आपको उसकी बेसिक यूसेज भी बताऊंगा. फिर हम ये देखेंगे कि C++ में बेसिक डाटा टाइप्स कौन सी हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं और उन्हें C++ में किस तरह से यूज़ किया जाता है. उसके बाद हम देखेंगे कि C++ में इनपुट या आउटपुट किस तरह से ली जाती है. फिर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स और 1D एरे और 2D एरे को भी देखेंगे. फिर हम देखेंगे कि एक फंक्शन क्या होता है और उसको किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से यूज़ किया जाता है. फिर हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम लोग इनहेरिटेंस देखेंगे. फिर मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन ओवरराइडिंग या ओवरलोडिंग क्या होती है. फिर हम लोग ये देखेंगे कि C++ में हम लोग फाइल्स को किस तरह से हैंडल करते हैं और सबसे आखिर में हम ये देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरह से की जाती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल.